Hello everyone. Today we have with us the captain of India Women's National Cricket Team, Harmanpreet Kaur. Harmanpreet is a 2017 Arjuna awardee in cricket. She is an all-rounder in the India Women's Cricket Team and the first Indian woman cricketer to hit a century in T20 international cricket. She joins us here on Happiest Health to share her journey about a technique called mouth taping. Thank you so much for joining us today, Harmanpreet. Since when have you started mouth taping? Mouth taping actually 2 years back. I was going through my screening test. यहाँ पर मेरे trainer मेरे सारे physical test ले रहे थे. That test he realized that you know कि मेरे को मुँह से सांस लेने की आदत है. और most of the time I'm using my mouth and nose. तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे एडवाइस करा कि अगर हम ये पार्ट ट्रेनिंग में ऐड करते हैं कि यू नो प्रॉपर अगर ब्रीदिंग करेंगे देन आपको ट्रेनिंग में बहुत हेल्प करेगा. मैं काफ़ी सालों से ट्रेनिंग करते हुए आ रही हूँ लेकिन जो बॉडी की जो स्टिफनेस है वो काफ़ी रहती थी. इवन दो यू नो सब रिकवरी करने के बाद भी प्रॉपर स्ट्रेचेस और आइस बाथ जितना भी मतलब जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल थी उसके बाद भी एवरी मॉर्निंग आई यूज टू फील वेरी स्टिफ और उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते थे, एक्स्ट्रा वार्म अप करना पड़ता था. तो अगर आप वो चीज़ एक चीज़ अपने इसमें यू नो डेली रूटीन में चेंज करते हो यू कैन फील द डिफरेंस. कोई भी टेप घर पे जैसे एक पेपर टेप रहती है कि अगर आप उसको सोने से पहले अगर वो टेप करके सोते हो एटलीस्ट जस्ट सी 1 hour 2 hour इफ यू कैन जस्ट टेप योर माउथ एंड स्लीप लेट सी आप कितनी देर. तो फर्स्ट डे वॉज वेरी डिफिकल्ट, मेरे को बिल्कुल आदत नहीं थी. देन आई दैट डे आई रियलाइज दैट नाइट की मतलब समथिंग विच आई वॉज डूइंग रॉन्ग एंड मुझे उसका कुछ आइडिया भी नहीं था. अदर थिंग्स आई वॉज फाइंडिंग कि मैं और क्या ऐसा करूँगी जिससे आई फील फ्रेश, मुझे अच्छा फील हो, अच्छी स्लीप आए. और जब मैंने फर्स्ट टाइम व्हेन आई वॉज स्लीपिंग मुँह पे टेप लगाकर तो आई कुड नॉट स्लीप क्योंकि मुँह पे टेप इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू ब्रीथ फ्रॉम नोज. और मुझे 2 घंटे के बाद ही आई लाइक नहीं मुझे उतार के सोना है. एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई टोल्ड हिम कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी. सेड आई नो फर्स्ट एक वीक ऐसे ही जाएगा जहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगेगा बट आफ्टर अ वीक यू विल स्टार्ट फीलिंग द रिजल्ट. तो अभी तो लाइक अगर मैं सोती हूँ रात को टेप लगा के और मॉर्निंग को निकालती हूँ तो मुझे कुछ ऐसे फील भी नहीं होता. मैं बहुत ऐसे फेस टाइट करके सोती थी देन मॉर्निंग में फुल ये सब स्टिफ रहता था. एंड देन आई रियलाइज कि ये सब ऐसे रिलैक्स हो रहा है विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट एक टेप मुझे इतना हेल्प कर रही है. तो स्लोली स्लोली देन आई स्टार्टेड यूजिंग टेप इन माई ट्रेनिंग. देन माई होल नेक एंड अपर बैक एंड नो अपर बॉडी वॉज गेटिंग सो स्टिफ. देन थायरॉइड भी हो गया एंड देन आई वॉज जस्ट फाइंडिंग अ वे कि ये चीज़ें क्यों हो रही है. और फिर पता चला कि बिकॉज ऑफ वन हैबिट, बिकॉज आई एम नॉट समवन जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेता है बिकॉज समटाइम बिकॉज अभी स्पोर्ट्स एक पर्सन को इतना तो सिखाई देता है कि यू नो वी हैव टू स्टे इन द मोमेंट, वट एवर इज हैपनिंग फॉर गुड, यू नो वी हैव टू फाइट. और जस्ट वन थिंग चेंज माई लाइफ एंटायरली कि यहाँ पर मेरी स्टिफनेस भी जाने लग गई एंड देन बॉडी भी रिलैक्स फील होने लग गई, सांस अच्छे से लेने लगी जो इतने सालों से बोला जा रहा था कि आई हैव टू यूज माई कोर प्रॉपरली जो मैं नहीं कर पा रही थी जिस दिन फोकस थोड़ा सा कम है और अननेसेसरी आई एम टेकिंग क्योंकि सांस क्योंकि जब भी स्ट्रेस आता है तो इन टाइम्स आप स्टार्ट यूजिंग मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देते हो आप, इससे नहीं नाक से सांस नहीं लेते. देन मैं बैटिंग में भी थोड़ा सा टेप लगा के स्टार्टेड बैटिंग की, उसमें भी आई कैन काम माई सेल्फ, आई कैन यूज आई कैन यू नो प्रॉपरली ब्रीद एंड देन बैट. Those things really help me. It is very nice to know that you have had so many improvements just by using this one technique. Could you please tell me how exactly did you develop the habit of breathing through your mouth? I think मेरे को बचपन में बहुत cold होता था क्योंकि dust से allergy हो जाती थी बहुत जल्दी या सब कुछ. तो knock हमेशा मेरा nose जो था ना वो हमेशा block रहता था. अब मेरा nose block है तो obviously I have to breathe, तो मैं वो मुँह से सांस लेती थी. बट अब वो तो स्लोली स्लोली एक हैबिट बन गई. बाद में ऐसे भी नहीं था कि नोज ब्लॉक था बट स्टिल इट वॉज माई हैबिट जो मुझे भी नहीं इतने सालों से रियलाइज हुआ. छोटे होते या आई यूज टू टेक लॉट ऑफ मुझे बहुत कोल्ड होता था, कोल्ड टैबलेट्स बहुत खानी पड़ती थी ट्रेनिंग में आगे. इतना बीमार तो नहीं पड़ती थी लेकिन बाद में पता चला कि नहीं यार एक साइड नोज का हमेशा ब्लॉक ही रहता है, कभी लेफ्ट कभी राइट. अभी एक साइड ब्लॉक है तो सांस कैसे लूंगी. सो डज माउथ टेपिंग हेल्प यू स्लीप बेटर?
जी हाँ, फर्स्ट वीक वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि फर्स्ट वीक में ऐसे होता है क्योंकि जिसकी हैबिट ही नहीं है नाक से सांस लेना, तो मैं ऐसे ऐसे लगता था कि समवन इज ऐसे मेरा कोई गला दबा रहा है, क्योंकि सांस ही नहीं आ रही. तो वो आई थिंक आप आधे घंटे से स्टार्ट कर सकते हो, जस्ट हाफ एन आवर, जस्ट यू नो टेप योर माउथ एंड जस्ट रिलैक्स. जब भी आपको लग रहा है कि आपको सांस, अभी आपको नींद आने लगी है, यू कैन रिमूव द टेप एंड देन स्लीप. तो वो आधा घंटा कब मेरे 7-8 आवर्स बन गए तो मुझे भी नहीं पता चला. स्लोली स्लोली आफ्टर 2 डेज, और एक दिन गैप दे के, एक दिन टेप करा, एक दिन नहीं टेप करा, तो वो बस ऐसे करते करते मेरी हैबिट बन गई. एंड जब भी टेप लगा के, यू नो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई फील सो फ्रेश, सो नाइस, ऐसे लगता है कि यू नो, मतलब एक और ऐसे लेजी भी फील नहीं होता उठने में. इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट माउथ टेपिंग, व्हाट वुड यू सजेस्ट देम? उनको मेरा सजेशन यही रहेगा कि जैसे पहले आप डे में स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप फुल कॉन्शियस हो, वॉक कर रहे हो या फिर घर पे हो, यू आर यूजिंग कंप्यूटर, यू आर रीडिंग समथिंग, है ना, कुछ भी आप ऐसे फ्री टाइम पे हो, बैठे हो, उस टाइम पे अगर आप 15 मिनट से 10 मिनट ऐसे स्टार्ट करो, एंड देन आपको इसके रिजल्ट फील होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा. सो लास्टली, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स दैट यू हैव नोटिस्ड आफ्टर प्रैक्टिसिंग माउथ टेपिंग? फर्स्ट थिंग तो जैसे कि मेरी सांस लेने की जो टेक्निक है वो मैंने प्रॉपर करी. अभी तो ऑटोमेटिकली, अभी तो मुझे एक एक बीक हो जाता है जब मैं टेप भी नहीं लगाती, बट जब मैं उठती हूँ तो वो भी ब्रेन में है कॉन्शियसली, यू नो आई एम थिंकिंग, हाँ मेरे मुंह से सांस नहीं ले रही हूँ, अभी नाक से सांस चल रही है. एक बॉडी का एक रूटीन है विच इज़ आई एम डूइंग राइट नाउ. एंड सेकेंडली, जो बॉडी में जो बहुत स्टिफनेस रहती थी, कुछ ना कोई पार्ट बॉडी का ऐसे स्टिफ रहता था, टाइट रहता था, क्योंकि एज ए स्पोर्ट पर्सन हम लोग रोज इतनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ न्यू एक्सरसाइज ट्राई करते हैं या फिर न्यू बैटिंग में स्किल्स में कुछ ट्राई करते हैं, तो कभी ना कभी वो पार्ट स्टिफ होते होते बाद में वो इंजरी में कन्वर्ट हो जाता था. एंड थर्ड थिंग इज पीरियड्स में जो मुझे इतना पेन होता था, बिकॉज मुंह से सांस लेती थी, आई वॉज नॉट यूजिंग माई कोर प्रॉपरली, जितना बैड ऑक्सीजन वॉज गोइंग टू माई बॉडी, क्योंकि नाक से आप सांस लेते हो तो फिल्टर होके आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है, तो वो फिल्टर होकर मेरी बॉडी में नहीं जा रही थी प्रॉपरली, प्योर ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल रही थी. तो मे बी दैट ऑल्सो कॉज मी कि मेरे को पीरियड्स में इतना पेन हो रहा था, एंड मुझे बहुत टैबलेट्स लेने पड़ते थे. 3-4 थिंग्स जो जो मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती थी कि स्टिफनेस, अच्छे से नींद नहीं आ रही, पीरियड्स में पेन हो रहा है, तो वो चीज़ें जस्ट बिकॉज ऑफ टेप माई लाइफ. Thank you so much for joining us today, Harmanpreet. It was a pleasure having you here. Thank you. Thank you so much.